नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल का जन्मदिन मनाया। भाजपा महानगर विनोद अग्रवाल के 63वें जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता पार्षद रश्मि शर्मा के द्वारा गुरुवार को जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल में गरीब वंचित असहाय बच्चों के बीच केक काटकर खुशी मनाई। विनोद अग्रवाल के जन्मदिन पर लंबी दीर्घायु की कामना की गई। इसी बीच जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एवं वुमेन सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश चंद शर्मा ने बताया कि समाज सेवी एवं अन्य लोग अगर इसी तरह असहाय निर्धन बच्चों के बीच आकर अपना जन्मदिन एवं उत्सव मनाते हैं, इन बच्चों के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि गरीब असहाय बच्चों के यहाँ कभी इस तरह की खुशियाँ नहीं मनाई जाती। इसको लेकर के सभी आम जनमानस से अध्यक्ष सतीश चंद शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि असहाय निर्धन बच्चों की सेवा जरूर करें और इस तरह अपनी खुशियाँ बांटकर बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। शिक्षक तान्या चौहान, पूजा झलक, सीमा शर्मा आदि मौजूद रहे। मथुरा संवाददाता ब्रजबीर सिंह जाधौन की रिपोर्ट। जी बताएं, आज आप यहां पर आए हैं स्ट्रीट स्कूल में और बच्चों के साथ में केक काटा है, क्या उत्सव है, किसके बारे में केक काटा गया है? आज 1 दिसंबर है और हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे पालक, हमारे पिता श्री विनोद जी भाई साहब का जन्मदिन है। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई साहब केक कटना है, तो उन्होंने बड़े अपने हमेशा जो उनका विनम्र स्वभाव है हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप बच्चों के बीच में केक काटिएगा और उनको केक खिलाइएगा। तो आज उन्हीं के कहने पर, उन्हीं का जन्मदिन आज इन बच्चों के साथ मनाने आई हूँ और चाहती हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और जल्द ही मेयर बन के हमारे बीच में कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सर्वप्रथम तो मैं श्री विनोद अग्रवाल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ संध्या मैडम का, क्योंकि इनका आशीर्वाद सतत रूप से, जब से हम सेंटर्स इन बच्चों को, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, इनको पढ़ाने का काम करते हैं, शुरुआत की दौर से ही आज तक इनका सतत आशीर्वाद मुझे और इन बच्चों को प्राप्त है। और इसके साथ साथ ही मेरा यह है कि वंचित समाज के जो बच्चे हैं, जो विभिन्न खुशियों से वंचित रह जाते हैं, ऐसी खुशियों को समय समय, चाहे त्यौहार हो चाहे पर्व हो, संध्या मैम इनके बीच आकर के बनाती हैं और मैं तो सदैव इनका आभार, वंदन और नमन करता हूँ इन बच्चों को खुशियाँ प्रदान करने के लिए। और अन्य समाज से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी खुशियाँ अगर इन बच्चों के बीच आके मनाएंगे तो निश्चित तौर से ये खिलखिलाता बचपन, मुस्कुराता बचपन और स्वस्थ बचपन रहेगा।